देखिए, जब आपका शॉपिंग एम्बियंस जो है ना, जिसे कहते हैं वातावरण, वो जब बहुत ही अच्छा होता है, आपके मूड के अनुसार होता है, आपके मूड को एनलाइटन और थोड़ा और बेहतर बनाता है, तो शॉपिंग एक्सपीरियंस भी बहुत मज़ेदार बन जाता है। सोचिए, इतना अच्छा सा डेकोर हो, खाने पीने की चीज़ें हो, खूबसूरत, ऑफ कोर्स आपके पास शॉपिंग की वैरायटी हो, यानी कि आपका तो यहाँ से निकलने का मन भी नहीं करेगा। बहरहाल, ये करते हैं हम कि हम चलते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की ओर। भैया, वहां पे क्या हो रहा है वो भी देख ले, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ये तो मैंने बता ही दिया। अभीरा तो अभीरा है, अब तक हम सब अभीरा को अच्छे से जान गए हैं, पहचान गए हैं कि वो कब क्या कर सकती है। अपना ससुराल छोड़कर वो आई है तो उसका पारा हाई है। ऐसे में जब अरमान उसे वापस ले जाने आया है तो वो भला क्यों आसानी से माने। पहले ये लड़की थोड़ा सा नाटक करेगी और हाँ, ड्रामा भी कर सकती है। उसके बाद जब मोहतरमा का मूड करेगा तब वो सोचेगी कि उसे अपने ससुराल लौटना है या नहीं। अबीरा को लगता है कि शायद अरमान में अकल आ गई है, जो शायद उसका प्यार जाग गया है अबीरा के लिए, कि उसको लेने के लिए आया है वो। बट अरमान बोलता है कि मैं इसलिए आया हूँ तुम्हें लेने क्योंकि दादी सा चाहती है तुम घर पर आओ। तो वो और चिढ़ जाती है और नाराज़ हो जाती है कि उसको लगा था कि शायद अरमान अपने दिल से लेने आया लेकिन वो दादी सा के प्रेशर से आया। तो वो फिर से उनकी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है जो कि नेवर एंडिंग है, वो चलती जा रही है। अरमान यहाँ पर हॉस्टल में उसे मनाने आया है लेकिन मनाते मनाते वो यहाँ पर हो रहे नाच गाने का हिस्सा बन जाएगा, ये तो उसने सोचा नहीं होगा। लेकिन अब अबीरा को मनाना है तो वो जो कहेगी वो करना होगा। के साथ अब थोड़ी सी सीरियस वाली बात कर लेते हैं। अबीरा को पता चल गया है कि अरमान के पापा घर छोड़कर जा रहे हैं अगर वो नहीं लौटेगी। कभी तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोच लिया करो अबीरा। पापा को लग रहा है कि तुम्हारे साथ ना इंसाफी हुई है इसलिए वो घर छोड़कर जा रहे हैं। अबीरा सुनो, क्या आप मेरे साथ घर चलने का कष्ट करेंगी? तो ऐसे में अब वो क्या करेगी? अरमान के पिता की बहुत रिस्पेक्ट करती है अबीरा, इसीलिए वो नहीं चाहती है कि पापा जी घर छोड़कर जाएं। अब तो माधव जो मेरे फादर है उन्होंने और भी बड़ा तमाशा कर दिया है कि अगर तू अबीरा को नहीं लेकर आएगा तो मैं भी अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा। तो चारों तरफ से अरमान घिरा हुआ है। अब तो कहानी में आ गया ना ट्विस्ट, अबीरा को अपने ससुराल लौटना ही पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये लड़की इतनी आसानी से कोई काम होने नहीं देगी। अरमान के सामने जरूर वो कोई शर्त रखेगी। अब वो शर्त क्या है ये तो हम आपको अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।